गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थ्री का लेसन टू मतलब पार्ट दो पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है लेट्स नो ईच अदर। लेट्स का मतलब होता है चलो, नो का मतलब होता है जानना, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। तो इस तरीके से पार्ट का नाम हो जाएगा लेट्स नो ईच अदर का मतलब हो गया चलो एक दूसरे को जाने। अब यहाँ सबसे पहले मिट्ठू है। मिट्ठू कहता है कि हाय आई एम मिट्ठू। हाय हाय का मतलब होता है नमस्ते। जब हम कोई अपने चिर परिचित मतलब जो एकदम बहुत अच्छी तरीके से जिनको हम जानते हैं तो उनको हम बोलते हैं हाय। और आई एम मिट्ठू का मतलब हो गया मैं मिट्ठू हूँ, मतलब नमस्ते मैं मिट्ठू हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कौआ है, ये बोलता है आई एम काकू। इसका मतलब होता है आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ और काकू का मतलब काकू। तो कौआ क्या बोलता है, कौआ बोलता है कि मैं काकू हूँ। तो इस तरीके से कौआ अपना नाम बताता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाता है मोर। तो मोर क्या बोलता है, वेलकम मतलब स्वागतम। आई एम चुन चुन, तो क्या बोलता है मोर जो है, स्वागतम मैं चुन चुन हूँ। इसके बाद जो है हेलो आई एम मुन मुन। तो यहाँ पे जो बतख है डक है ना, वो बोलता है कि हेलो मतलब नमस्ते, आई एम मुन मुन मतलब मैं मुन मुन हूँ। अब यहाँ पर है पिजन यानी कि कबूतर, और यह कहता है आई एम टुक टुक। इसका मतलब होता है कि मैं टुक टुक हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है मुर्गी है ना, हैन। तो यह कहती है आई एम चिक चिक मतलब मैं चिक चिक हूँ। तो इस तरीके से सभी ने एक दूसरे को अपना नाम से परिचय दिया। मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया, तो आपको यह जो है पार्ट अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दो तीन बार ज़रूर देख लें, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा।